हेलो स्टूडेंट्स, आज बात कर लेते हैं मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर्स को नॉर्मली डेटा सेलेक्टर या इन शॉर्ट मक्स भी कहा जाता है। मल्टीप्लेक्सर्स बेसिकली काफ़ी सारे इनपुट लाइंस में से इनपुट को लेकर के सर्किट के थ्रू केवल किसी एक पर्टिकुलर लाइन के इनपुट को ही आउटपुट में सेलेक्ट करता है। मीन्स कई सारे इनपुट होंगे, उनमें से कोई सा ही एक इनपुट हमारा जो है वो आउटपुट निकल करके आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेटा सेलेक्टर। कौन सा डेटा सेलेक्ट होना है और किसके बेसिस पे सेलेक्ट होना है, देयर विल बी दी सिलेक्शन लाइंस इन दी मल्टीप्लेक्सर। आइए देख लेते हैं इसके हम किस तरह से ब्लॉक डायग्राम को समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एक ब्लॉक डायग्राम है और हमने बोला यहाँ पर कई सारी हमारे पास इनपुट लाइंस हैं। नॉर्मली इनपुट लाइंस विल बी कंसिडर्ड एज 2 to the power n इनपुट लाइंस। देयर विल बी ओनली वन सिंगल आउटपुट व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल वाई ऑलवेज। देन हाउ दैट पर्टिकुलर इनपुट विल बी दी आउटपुट, कौन सा इनपुट हमारा जो है आउटपुट बनेगा, वो डिटरमाइन किया जाएगा सिलेक्शन लाइंस के बेसिस पर। सिलेक्शन लाइंस कितनी होने वाली है, यहाँ पर n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस यहाँ पर होने वाली है। तो हम यहाँ पर एक इनपुट सिलेक्शन लाइंस का भी डाल सकते हैं कि मीन्स यहाँ पर हमारे पास n सिलेक्शन लाइंस एक मल्टीप्लेक्सर में होने वाली है। नॉर्मली इसको बोला जाता है मल्टीप्लेक्सर या मक्स इन शॉर्ट, और इसकी जो डिनोशन है वो किया जाता है 2 to the power n क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर। वन डिनोट्स द आउटपुट एंड 2 to the power n डिनोट्स द इनपुट। तो दैट्स व्हाई लाइकवाइज ऑफ डिकोडर, जैसे कि डिकोडर में हमने पढ़ा था 2 into 4 डिकोडर है, 2 x 4 डिकोडर। सिमिलरली हम यहाँ पर इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी मल्टीप्लेक्सर्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आउटपुट में हमेशा वन रहने वाला है, बिकॉज इसकी आउटपुट लाइन हमेशा वन को शो करती है। एंड 2 into n बेसिकली 2 to the power n हमेशा जो है हमारे इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है। आइए हम यहाँ पर समझ लेते हैं 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में। स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में। एज नेम इंडिकेट्स, 4 into 1 मींस 4 नंबर्स ऑफ इनपुट्स विल बी देयर, 1 नंबर ऑफ आउटपुट विल बी देयर। दैट्स व्हाई दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। अब आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं 4 नंबर ऑफ इनपुट्स आर देयर। तो जनरली इनपुट्स विल बी कंसीडर्ड एज i0 i1 i2 एंड i3 एंड ऑन। ये इसमें वैसे चलता रहेगा, आई डिनोट फॉर इनपुट, तो ये समझना ईजी रहता है हमारे लिए। तो इस वजह से यहाँ पर हम आई से डिनोट कर रहे हैं, i0, i1, i2 एंड i3। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्योंकि 2 हमारे पास इक्वल टू 2 to the power n अगर हम रखें तो हमारे पास यहाँ पर 2 आने वाला है। तो मीन्स 2 सिलेक्शन लाइन हमारे पास हो जाएंगी, विच विल बी कॉल्ड s0 एंड s1। और इन दोनों सिलेक्शन लाइन के बेसिस पर ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम आ गया है 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर का, जो कि काम करेगा। आइए समझ लेते हैं ये ट्रुथ टेबल के थ्रू कि ये काम किस तरह से करेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, इन इनपुट्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल इनपुट्स आ रहे हैं सिर्फ आउटपुट में बदल जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन लाइन्स का रोल जो है वो मेजर होता है, क्योंकि सिलेक्शन लाइन ही डिसाइड करती है कि कौन सा इनपुट सेलेक्ट किया जाएगा जो कि आउटपुट बनेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन लाइंस का यहाँ पर रोल है। आइए हम सिलेक्शन लाइंस को समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन लाइन 2 है, तो दे विल बी इधर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ऑन द बेसिस ऑफ इफ 0 0 इज सिलेक्शन लाइंस आर 0 0, देन i0 विल बी द आउटपुट। मींस अगर यहाँ पर दोनों 0 0 है, तो हम इस वाले इनपुट को यहाँ पर एज ए आउटपुट बना देंगे, बाकी सबका हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं। अब हम इस तरह को विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमने इन दोनों के बीच में एक तरह से ब्रिज क्रिएट कर दिया है, या इसको पाथ प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली इफ इनपुट्स आर 0 1, देन i1 विल बी द आउटपुट, ये हट जाएगा। इफ इनपुट इज 1 0, देन आउटपुट विल बी i2, यानी ये बन जाएगा। ठीक है, एंड इफ 1 1, देन i3 हमारे पास इनपुट बन जाएगा। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है कि हर एक सिलेक्शन लाइन के बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास डेडिकेटेड इनपुट्स हैं। वैसे वर्षा दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जितने इनपुट्स हैं उसको हमारे पास, उन इनपुट्स को हैंडल करने के लिए डेडिकेटेड सिलेक्शन लाइन है। ठीक है, तो सिलेक्शन लाइन बेसिकली इसी तरह से काम करती है। आइए देख लेते हैं इसका हम सर्किट किस तरह से बनाएंगे और इस ट्रुथ टेबल को हम सर्किट के फॉर्म में किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। आई स्टूडेंट, हमने यहाँ पर सर्किट डिजाइन कर लिया है 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 इनपुट लाइन है हमारे पास, S1 एंड S0, जो कि इनपुट के तौर पर नीचे आ रही है। और हमारे पास यहाँ पर 4 इनपुट लाइन है और एक सिंपल आउटपुट लाइन है। ठीक है, हमने जैसे कि ट्रुथ टेबल में पढ़ा था कि इनपुट i0 विल बी सिलेक्टेड व्हेन S1 एंड S0 बोथ विल बी 0 0, देन the negative line of S1 and negative line of S0 will be connected with I0 into the AND gate. Then the equation will be I0 S1 bar S0 bar. यानी I0 तब select किया जाएगा जब हमारे पास S1 और S0 की दोनों की negative value होगी, यानी दोनों 0 0 होंगे। आ जाते हैं दूसरी value पर।
हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया, आई वन हमारे पास कब सिलेक्ट होने वाला है, जब एस वन की वैल्यू हमारे पास जीरो रहेगी और एस जीरो की वैल्यू हमारे पास वन रहेगी, तो दैट्स व्हाई द इक्वेशन विल बी आई वन एस वन बार एस जीरो, ठीक है, क्योंकि हम इसकी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, देन एंड गेट विल बी फॉलोड बाई दीज इनपुट्स। आ जाते हैं आई टू के लिए, आई टू हमारे पास इनपुट बनने वाला है जब एस वन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी और एस जीरो की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी, तो हमने यहाँ सर एस जीरो को आप देख सकते हैं नेगेटिव लाइन से अटैच किया है, एस वन को हमने पॉजिटिव लाइन के साथ अटैच किया है और इनपुट आई जीरो, ये तीनों मिलकर के हमारे पास एंड गेट में जा रहे हैं, देन इक्वेशन इज आई टू एस वन एस जीरो बार, एंड फाइनली व्हेन बोथ विल बी वन वन देन आई थ्री विल बी सिलेक्टेड, तो आप देख सकते हैं i3 और दोनों की पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास जो है एंड गेट में जा रही है, देन द इक्वेशन विल बी i3 s1 एंड s0। ये चार इक्वेशन आने के बाद हमारे पास कोई ना कोई सी एक लाइन हाई रहने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन लाइंस। उसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि हमें केवल एक ही आउटपुट चाहिए और हमें पता है कि वो आउटपुट हमको मेंटेन करना है, क्योंकि हमें इनमें किसी ना किसी लाइन में एक में आउटपुट मिलने वाला है और उस आउटपुट को हमें बेसिकली यहाँ पर देना है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। आपको याद होगा और गेट बेसिकली इसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, 011 101 000, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि सारी के सारी कोई ना कोई सी बाकी तीन वैल्यूज यहाँ पर जीरो रहने वाली है, बाकी कोई सी भी एक हाई रहने वाली है, तो सिमिलरली वही इनपुट हमको अगर आउटपुट में चाहिए तो हम यहाँ पर और गेट का यूज करेंगे, मतलब हमने यहाँ पर चारों वैल्यूज को ऐड कर दिया है, तो जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा निकल करके हमारे पास यहाँ वाई में मिलने वाला है। तो सिमिलरली ये एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर का डिटेल्ड सर्किट डिजाइन है और ब्लॉक डायग्राम और ट्रुथ टेबल इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब समझ लेते हैं आगे बढ़ 8:1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में कि ये किस तरह से हमारा काम करेगा, इसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। आइए स्टूडेंट अब यहाँ पर समझ लेते हैं हम 8:1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में। एज नेम इंडिकेट 8:1 मींस यहाँ पर 8 इनपुट होने वाले हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं 8 इनपुट हमारे पास है एंड ओनली सिंगल आउटपुट इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 8:1 मल्टीप्लेक्सर। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 इनपुट लाइंस या सिलेक्शन लाइंस इनपुट के तौर पर रहेगी जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होंगी कौन सा इनपुट हमारा जो है आउटपुट बनना है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर सिलेक्शन लाइंस के बेसिक कॉम्बिनेशन पर, आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन लाइन क्या क्या हो सकती है, 0001 010 011 100 101 111 एंड 111। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 8 कॉम्बिनेशंस यहाँ से एक एक लाइन उठेगी और वो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आएगी। आइए देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास यहाँ पर आउटपुट बनने वाले हैं। If selection lines are 000, then I0 will be selected because इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि इसका decimal equivalent हमारे पास 0 आने वाला है, इसका 1 आने वाला है, इसका 2, 3, 4, 5, 6 and on up to 7 numbers। तो एक एक नंबर को हम वहाँ से पिकअप करते जाएंगे और वो हमने डेडिकेटेड इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करते जाएंगे, सिंपल इसके सिलेक्शन लाइन्स का बेसिस के लिए यही पर यहाँ पर यही फंडा है। 001 means I1 will be the output, 010 means I2 will be the output, on 011 I3 will be the output, 100 I4 100 101 I5 110 I6 and finally 111 I7 will be the output। So on the basis of that particular combination we can design the equation for I0, that will be I0 S2 bar S1 bar S0, I1 will be S2 bar S1 bar S0 because it is positive line, for I2 S2 bar, S1, S0 bar, 010, for I3 that will be I3, S2 bar, S1 and S0 because both are 11। आगे आ जाते हैं S4 के लिए, I4 will be S2 positive line है, बाकी दोनों negative हैं, तो हमारे पास बन जाएगी S2 positive, S1 and S0 हमारे पास negative बन जानी है। I5 के लिए बात कर लेते हैं, I5 के लिए हमारे पास 101 means ये positive, बीच के negative, तो S2 S1 and S0, तो S1 हमारे पास negative line आ गई है। S6 की बात कर लेते हैं, तो X6 equals to, these two are positive lines, this one is only the negative one, then these are positive and only this one is negative, that's why it is bar only, and finally for I7, all values are high, all values are 1, then no bar will be there, only S2, S1 and S0 will be the best combination, so on the basis of these best possible combinations, you can design this circuit as you are very familiar with the possible combinations and all. I hope that you can design that particular circuit. Students, अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि हम किस तरह से दो मल्टीप्लेक्सर्स का कॉम्बिनेशन करके एक बड़े मल्टीप्लेक्सर को बना सकते हैं। Likewise of decoder, encoder,
छोटे सर्किट्स मार्केट में अवेलेबल है आईसी की फॉर्म में, जितने भी बड़े सर्किट्स हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन के, जो बहुत बड़े सर्किट्स हैं वो उन छोटे के कॉम्बिनेशन से ही मिला करके बनाए जाते हैं। तो सिमिलरली मल्टीप्लेक्सर में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मार्केट में जो है बेसिकली 4:1 एंड 8:1 की आईसीज अवेलेबल है, और जितने भी हायर ऑर्डर के मल्टीप्लेक्सर्स हैं वो उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। आइए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि 16:1 मल्टीप्लेक्सर 2:8:1 मल्टीप्लेक्सर्स की यूज करके किस तरह से बनाया जा सकता है। पहले हमें यहाँ पर समझना होगा 16 कॉम्बिनेशंस हैं, 1 आउटपुट है, मीन 16 इनपुट 1 आउटपुट। और जब हम 16 इनपुट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन लाइन हमारी हो जाने वाली है 4, जो कि रिप्रेजेंट की जाएंगी S0, S1, S2 एंड S3 से। आइए देख लेते हैं इनके बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या रहने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन लाइन का यहाँ पर मेजर रोल रहने वाला है। इनपुट्स तो नॉर्मली जो आ रहा है वही आउटपुट बन रहा है, तो यहाँ पर हम इनपुट्स पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिलेक्शन लाइन के बेस्ट कॉम्बिनेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन लाइंस देख लेते हैं हमारे पास, ये बेस्ट 16 कॉम्बिनेशन हमारे पास 0 से लेकर 15 तक आने वाले हैं, और उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर आई को सिलेक्ट कर दिया है। आई होप कि आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि हमने 8:1 और 4:1 में इसी तरह से कॉम्बिनेशन वाइज इसको आउटपुट बनाया है। तो इसके बेसिस पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से अरेंज होंगे। यहाँ पर आपको एक चीज देखनी होगी कि ये एक जो सेट है इनपुट्स का, मीन 0:0:0 फॉर S2, S1 एंड S0 ओनली, जो 0:0:0:0:1 अप टू 1:1:1 तक है, वही सेम फैशन नीचे रिपीट हो रहा है। आप देख लीजिए सेम इनपुट्स का यहाँ पर वही फैशन रिपीट हो रहा है, ठीक है। द डिफरेंस इज ओनली ऑन द MSB, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी जो हमारे पास S3 है पहले कॉम्बिनेशन के लिए या पहले सर्किट के लिए उसकी वैल्यू जो है सब जगह 0 है, और दूसरे सर्किट के लिए उसकी सब जगह वैल्यू जो है हमारे पास हायर ऑर्डर की है। तो इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर किस तरह से डिजाइन करेंगे। इनपुट्स तो ऐसे ही रहने वाले हैं, इनपुट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ना इनपुट में आपने कोई इनपुट लाइन को कहीं पीछे से कोई सर्किट अटैच करना है। यहाँ पर हम केवल सिलेक्शन लाइंस पर बात कर रहे हैं, तो सिलेक्शन लाइंस क्योंकि दोनों सर्किट के लिए हमारी बिल्कुल सेम रहने वाली है, यानी S0, S1 एंड S2 हमारे पास सेम रहने वाले हैं। भाई हम यहाँ पर इनपुट को डाल देते हैं, दैट इज S0, दिस इज फॉर S1, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, एंड दिस इज फॉर S2, ठीक है। ये हमारे पास था S0, S1 एंड S2, सेम इनपुट्स को हमने यहाँ से पिकअप किया और S0 को हमने इधर डाला, S1 को यहाँ से पिक किया और हमने इसके साइड में डाला, और ऐसे ही हमने यहाँ से S2 को यहाँ से पिक किया और यहाँ पर डाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम S3 के बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए, तो S3 हमारे पास किस तरह से काम करने वाला है। पहले सर्किट के लिए S3 की वैल्यू जो है हमारे पास 0 रहने वाली है, दूसरे सर्किट के लिए हमारे पास जो वैल्यू उसकी 1 रहने वाली है। तो हम यहाँ पर S3 को जो अटैच करेंगे, S3 को जब हमने अटैच किया है तो यहाँ पर हम नॉट गेट लगा करके इसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट कराएंगे, और यहाँ पर इसको S3 की फॉर्मेट में अटैच करेंगे। और क्योंकि नीचे वाले सर्किट के लिए आपको हायर ऑर्डर की वैल्यू चाहिए, मीन्स आप यहाँ से बेसिकली वैल्यूज को उठाएंगे और इस S3 के बेस्ट कॉम्बिनेशन में यहाँ पर पिक कर देंगे, इनपुट कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनने वाला है। सपोज हमने 4 इनपुट के लिए, यानी 4th नंबर का इनपुट हमारा जो है वो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में मिले, हमने ऐसा कुछ डिजाइन किया है, ऐसा कुछ हम चाहते हैं। तो हमारे पास S3 रहने वाला है 0, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ, S3 रहने वाला है 0, S2 रहने वाला है 0, S2 रहने वाला है 1, और ये बाकी दोनों हमारे पास 0 रहने वाले हैं, ठीक है। तो 100 जो यहाँ पर जा रहा है वही 100 नीचे भी जा रहा है, मीन्स सेकेंड इनपुट में हमारा जो है सेकेंड जो सर्किट है हमारे पास उसमें हमारे पास I12 के आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कॉम्बिनेशन S2 S1 S0 में हमारे पास 100 है, और यहाँ पर भी हमारे पास 4 के लिए भी 100 है। केवल S3 ही हमारे पास यहाँ पर नेगेटिविटी या जो बेसिकली सर्किट का सिलेक्शन है उसको परफॉर्म कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं S3 किस तरह से काम करेगा। व्हेन S3 इज 0, जब हमने यहाँ पर 0 दिया है तो ये वाला सर्किट नीचे चला गया, जब हमने यहाँ पर 1 दिया है तो ये वाला सर्किट बेसिकली एक्टिवेट हुआ और ये वाला सर्किट ने काम करना शुरू किया, मीन्स यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ पर उठाई जाएगी। जब हमने यहाँ से लाइन उठाई तो इसमें करंट आया, इसमें कुछ नहीं आया, और आपको पता है OR गेट की फंक्शनलिटी क्या कहती है कि वो जो इनपुट आता है उसको ही एज इट इज आउटपुट बना देती है बाय द कॉम्बिनेशन बाय द एडिंग ऑफ दिस वन। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर हाउ वी कैन ऐड द मल्टीप्लेक्स, हाउ वी कैन डिजाइन द 16:1 मल्टीप्लेक्सर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 8:1 मल्टीप्लेक्सर्स। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।